देखो, तो इसके बारे में हमें सबसे अधिक जानकारी यदि किसी के बारे में मिलती है तो बप्पा रावल के बारे में मिलती है कि गोहिल वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ था तो बप्पा रावल हुआ, और आगे वाले जितने भी राजा हुए उन सब ने अपनी वंशावली कहीं ना कहीं से शुरू की तो बप्पा रावल से शुरू की, तो इसको एक बड़े राजा के रूप में अपने आप में मान्यता मिल गई। हम देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं कौन था क्या था, पढ़ते हैं इसके बारे में अपने। तो देखो, एक पहली एक चीज निकल के सामने आई कि इसका वास्तविक नाम क्या था। तो जब ये आता है वास्तविक नाम आता है तो अपने दिमाग में फिर ये क्या है, बप्पा रावल लिखा हुआ है, ये क्या है, ये नाम नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं साहब, ये नाम नहीं है। तो इसका एक्चुअल नेम क्या था, कि इसका एक्चुअल नेम तो काल भोज था, काल भोज नाम था इसका। तो फिर ये बप्पा रावल क्या है, तो बाद में किसी ने समझाने वाले ने बताया, बाद में इतिहासकारों ने कहा, बाद में गौरीशंकर हीराचंद ओझार जो आए उन्होंने कहा कि मेवाड़ में बाद में जितने भी राजा हुए थे उनको रावल कहते थे, राजाओं की उपाधि थी। वास्तव में एग्जैक्टली ये शब्द होता है राजकुल, जो राजकुल से संबंधित है वो रावल हो गए। ऐसी कई उपाधियां मिलती है, जैसे किसी की महारावल मिल जाती है तो महाराजकुल से संबंधित है वो महारावल हो गए, जो राजकुल से संबंधित है वो रावल हो गए। बप्पा, बप्पा क्या मतलब हुआ, ये एक नॉर्मल शब्द है, ये आप कहूं तो ये बापू है, ये बाप जो शब्द होता है उससे बना हुआ है, मतलब पिता के समान, पिता के तुल्य। और ये अपने गुजरात के टच करता हुआ जीता ही बोल रहा है। यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा कि अपने यहाँ पर जहाँ जो भी कोई आदरणीय व्यक्ति हो, सम्माननीय कोई भी रेस्पेक्टेड कोई भी बंदा होता है उसको बाप जी कहने की रस्में होती है। अक्सर मेवाड़ साइड में आज भी किसी मंदिर में जाके आते हैं तो भगवान के लिए बाप जी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और वहां कभी यूँ नहीं कहते भाई हम मंदिर जाके आए या देवता जाके, बाऊ जी जाके आए थे, बाप जी जाके आए थे। आप और नोटिस करना कभी कि महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, तो महात्मा गांधी को बापू इसलिए नहीं कहते कि डोकरे थे, महात्मा गांधी को बापू कहने के पीछे भी ये लॉजिक यही है कि वो गुजराती थे और गुजरात के अंदर ऐसे बोला जाता है। मैं तो आपको रिसेंट बताऊं, रविंद्र जडेजा गुजरात का क्रिकेट प्लेयर है, वो कभी 5 विकेट ले, वो कभी 50 रन बनाए, उसके जो फेसबुक है ट्विटर पे गुजरातियों कमेंट पढ़ लेना और सब पे आएगा जियो बापू, बापू आज अच्छा खेल रहा है। लगता है 30-31 साल में बापू नहीं बना दिया, थोड़ा जल्दी नहीं कर दिया इस बार आपने। पर वहां है ऐसी, वहां थ्योरी है कि वहां इनको बाप जी या बापू ही कहा जाता है। हम आगे और पढ़ेंगे कि मोतीलाल तेजावत उधर मेवाड़ साइड के बड़े नेता, हम कहेंगे उनको बाऊजी कहा जाता है। तो वहां बापा, बाप, बापू ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। तो किसी सम्माननीय आदमी के लिए ऐसा कहना शुरू कर दिया, राजा को। अब राजा से ज्यादा सम्माननीय कौन, राजा के लिए कहा जाता था, राजा अपने आप में भगवान का रूप है। तो कहा भाई जो राजा वो बाप जी, और राजा को रावल बोलते थे तो कहा बाप जी रावल, बाप जी रावल, बाप जी रावल। तो यूं करते करते धीरे धीरे उन्होंने बप्पा रावल बना दिया। तो कहा उसका नाम तो कालभोज था। अब ये वाली छोरी भी कि इसके अंदर बप्पा रावल इसका नाम नहीं है, इसका नाम तो काल भोज था, बप्पा रावल इसकी उपाधि है, बप्पा इसकी उपाधि है, रावल राजा को कहते थे। अब इसमें भी खूब सारे लोगों ने अलग अलग कहा। जेम्स टोड जब हिस्ट्री लिख रहा था तो जेम्स टोड ने कहा भाई साहब ये शिलादित्य, इसकी उपाधि बप्पा है, शिलादित्य की उपाधि उन्होंने बप्पा बता दी। कवि राजा श्यामलदास जी, श्यामलदास जी का याद रखना, जेम्स टोड का आपने नाम सुना होता है, हमने कल वाली क्लास के अंदर भी पढ़ा था इनके बारे में। श्यामलदास जी अपने मेवाड़ के एक बहुत अच्छे स्टोरी ने कवि राजा श्यामलदास जी कहा जाता है, एक बहुत अच्छी बुक लिखी है इन्होंने, आगे आगे और जिक्र आएगा तो और बताऊंगा। वीर विनोद नाम की बुक है, अंग्रेजों के टाइम के अंदर, राजाओं के टाइम में जब अंग्रेज आ गए थे, राजाओं के शासन दिया थे उस टाइम में, सज्जन सिंह, शंभू सिंह अपने मेवाड़ में राजा थे, उनके समकालीन श्यामलदास जी अच्छी किताब लिखी वीर विनोद, मेवाड़ की हिस्ट्री। और वीर विनोद के अंदर ये कहते हैं, ये कहते हैं कि बप्पा नाम नहीं है, बप्पा एक टाइटल है। तो टाइटल किसका, इनका ये शिलादित्य का एक पोता हुआ महेंद्र, ये उसका टाइटल है। पर बाद में गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जब वास्तव में हिस्ट्री पर रिसर्च करना शुरू किया, रिसर्च करके हिस्ट्री लिखी, तो उनका गिन नहीं, मेवाड़ में भई भाट जीते हुए उनकी ख्यात देख लो, राज प्रशस्ति देख लो, नैनसी वाली ख्यात देख लो, उनके अंदर सब में एक नाम मिलता है कि बप्पा का जो बेटा था उसका नाम है खुमाण। ठीक, फिर इससे क्या मिलेगा, फिर उनका इनका एक आठपुर से अभिलेख मिला है, और आठपुर वाले अभिलेख में लिखा कि काल भोज के बेटे का नाम खुमाण है। इसका मतलब बप्पा के बेटे का नाम खुमाण, काल भोज के बेटे का नाम खुमाण, इसका मतलब बप्पा और काल भोज एक ही व्यक्ति है, और बप्पा और काल भोज एक ही व्यक्ति तो यही है, और इसी का नाम बप्पा रावल है, इसी का नाम कालभोज। तो याद रखना कि बप्पा रावल का एक और नाम था, दूसरा जो उसका नाम था वो नाम क्या था, कालभोज नाम था। कोई ये पूछे कि किसने ये कहा कि बप्पा एक नाम नहीं है, बप्पा एक उपाधि है, तो ये श्यामलदास जी ने कहा था सबसे पहले, श्यामलदास जी की लिखी हुई बात। अपने आजकल तो शायद 10th या 12th वाली बुक के अंदर उठती हुई तो सवाल पूछने की संभावना और बढ़ जाती है, तो ध्यान रख लेना। पर श्यामलदास जी ने ये उपाधि किसकी बता दी थी, वीर विनोद नाम किताब में ये उन्होंने महेंद्र की बता दी थी। तोड़ इससे पहले कह गया था ये जो उपाधि है ये सील नाम के राजा की, जो शिलादित्य हमने पढ़ा था उसकी उपाधि है, और हमारे जो ओझा जी हैं, ओझा जी ने ये उनका कहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि किसने इनका नामकरण किया है या किसने इनके बारे में कहा है। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा नाम करके अपने राजस्थान में एक हिस्टोरियन हुए हैं, आजादी वाले साल में डेथ हो गई, वो शानदार हिस्टोरियन हुए, और राजस्थान की हिस्ट्री को सबसे पहले भले ही वैसे जेम्स टोड ने कंक्लूड किया था, लेकिन रिसर्च के आधार पर, आधुनिक जो शोध हुए उनके आधार पर यदि किसी ने कंक्लूड करने का प्रयास किया था तो वो अपने ओझा जी थे। तो ओझा जी ने इसके बारे में ये बात बताई थी, ये थोड़ी याद रख लेना आप बात, इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं अपने, इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये तो आ गया भाई वास्तविक नाम क्या था, तो हमने बता दिया भाई काल भोज इसका वास्तविक नाम था। अब दूसरी बात आई कि विक्ट्री कैंपेन, कि इस बंदे ने कहां कहां लड़ाइयां की थी, कहां कहां पे रहा था, ये बातें वापस का कि पहले ये पता लगाओ था कौन ये। तो फिर कईयों ने कहानी सुनानी शुरू की, और कईयों ने कहा कि एक ऋषि हुआ करते थे हारिथ, सेंट हारिथ थे, हारिथ ऋषि थे, और जो हारिथ ऋषि थे वो यहां नागदा में रहा करते थे। उदयपुर के अंदर एक नागदा नाम की जगह है, और वो नागदा के अंदर रहा करते थे,
और ऐसा कहा गया कि बापा रावल जो था वो उनकी गायें चराया करता था, हरित ऋषि जो थे वो महादेव जी के भक्त थे, और बापा रावल उनके वहां पे रहता था, वो गायें वाये रखते होंगे तो उनकी गायें चराया करता था। फाइनली जब हरित ऋषि का अंतिम टाइम आया तो उन्होंने बापा रावल को पूछा कि मांग, जो मांगेगा वो मिल जाएगा। बापा रावल ने कहा कि यार थोड़ा ढंग से जुगाड़ कर दो रहने खाने पीने का तो मेरा थोड़ा ठीक हो जाए। और कहते हैं कि हरित ऋषि ने वहां पर एक देवी हुआ करते थे रठासन, रठासन देवी की पूजा की। रठासन देवी राजी हुए, उनको कहा कि ये मेरा चेला है, इसको कुछ देना है ढंग की चीज तो मैं देना चाहता हूँ इनको, मेवाड़ देना चाहता हूँ इसको। रठासन माता ने कहा मेरे पास नहीं है इसके लिए, फिर थोड़ा और तपस्या करनी पड़ेगी। और किसकी? तो महादेव की तपस्या कर, उनको महादेव का तुम भक्ति हो तो बस उनको राजी कर। तो कहते उन्होंने महादेव को राजी किया, और महादेव को राजी किया, महादेव कहा भाई मेरे चेले को ऐसे ऐसे मेवाड़ का राज्य देना है। महादेव जी ने उनको हाँ बदली, हाँ बदली, तो कहते हैं कि उनको राज्य मिल गया। तो अपने सिंपल अपने कोई पूछ ले कि भाई बापा रावल को मेवाड़ का राज्य किसके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। देवी के नाम वगैरह याद रहे नहीं रहे, ये याद रखना कि किसके आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ, तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था। किसको? तो बप्पा रावल को हुआ था। ये उनकी गायें चराया करता था कहा जाता है, कुल मिला उनका शिष्य था, उनका फॉलोवर था, ये बंदा हरित ऋषि का फॉलोवर था, ये थोड़ा याद रख लेना। अब तो फिर बात आई कि ये तो नागदा के अंदर रह रहे थे, तो मेवाड़ का राज्य मतलब क्या मिला इनको? तो कहा इनको चित्तौड़ मिला। तो फिर क्वेश्चन बना, तो फिर चित्तौड़ का राजा कौन है? उस समय चित्तौड़ का राजा कौन था? तो फिर अपने को फिर जब अभिलेख वगैरह आगे देखते हैं तो पता चलता है कि चित्तौड़ में उस समय एक राजा था मान मोरी, और हम कहते हैं मोरी मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य जो हुए थे उनकी कोई एक ब्रांच यहां पे रहती होगी और वो लोग यहां पे रहते होंगे। ये वहां पे राजा हुआ करता था, चित्तौड़ का राजा हुआ करता है। और कहते हैं कि बापा रावल ने इस पर हमला किया, मान मौर्य पर हमला किया, और मान मौर्य पर हमला करके उसे चित्तौड़ छीन लिया था। ये घटना है 734 की, 734, ये याद रखना। ये कोई पूछ लेगा कि बापा रावल ने चित्तौड़ का किला किससे छीना था, तो मान मौर्य से छीना था। कब छीन लिया था? तो 734 AD में छीन लिया था। किसके आशीर्वाद से छीन लिया था? तो हरित ऋषि जो थे, हरित ऋषि के आशीर्वाद से छीन लिया था। ये तमाम बातें याद रखनी। अब वो भले उसने वो छीन लिया था, वो वहां का चित्तौड़ उसने अपने कब्जे में ले लिया, पर चूंकि वो नागदा के अंदर रहा करते थे इसलिए उसने कहा अपनी राजधानी जो नागदा है, राजधानी अपने चित्तौड़ नहीं बनाएंगे, राजधानी तो नागदाई रखेंगे। तो उसने राजधानी तो अपने कौन से रख ली? नागदाई रख ली। अब चूंकि हरित ऋषि का शिष्य था, हरित ऋषि महादेव जी के भक्त थे, तो उसने कहा फिर मैं यहाँ पे नागदा में महादेव जी का मंदिर बनवाऊंगा। और कहते हैं कि उसने यहाँ पे एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। एकलिंग जी कौन? तो एकलिंग जी भगवान महादेव, भगवान शंकर, भगवान शिव, बम बम बोले जो एकलिंग जी, तो उनका मंदिर यहाँ पर बनवा दिया। कहते कौन सी जगह पे एग्जैक्टली जो एकलिंग जी का मंदिर बनवाया? भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? तो हम कहते हैं कैलाश पर्वत पे रहते हैं। तो नागदा के पास में एग्जैक्टली वो जगह, उसका नाम भी पड़ गया कैलाशपुरी, कि कैलाशपुरी नाम की जगह पर उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। तो कैलाशपुरी ऑप्शन में है तो भी सही मान लेना, और नागदा ऑप्शन में है तो भी सही मान लेना। है कहां पे जगह ये याद रखना? तो ये जगह उदयपुर के अंदर आपकी पड़ती है, वहां पर इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। अब थोड़ी सी मैं एक बात पर आगे और जाऊं। अब एकलिंग जी को बनवा दिया, बापा रावल ने मंदिर बनवाया, बापा रावल इस वंश का प्रतापी राजा हुआ। उसके बाद वालों ने सबने अपने आप को बापा रावल के वंशज बताया। बापा रावल जब उनका भक्त था, आगे वाले भी उनके भक्त, और भक्त भी कितने बड़े कि इन्होंने कहना शुरू किया कि राजा हम नहीं है। कोई जाके पूछता मेवाड़ के राजा से कि आप मेवाड़ के राजा हो गए? नहीं नहीं साहब, क्या बात कर दिया आपने, हम कोई मेवाड़ के राजा नहीं। तो मेवाड़ का राजा कौन है? मेवाड़ का राजा एकलिंग जी, मेवाड़ का राजा तो भगवान शंकर महादेव जी। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो फिर बैठे बैठे? काम तो उनके प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमें काम दिया थोड़ा, हम तो काम कर रहे हैं वैसा भागे। और उन्होंने अपने आप को पीएम करना शुरू कर दिया, एकलिंग जी का पीएम करना शुरू कर दिया। और पीएम को उस टाइम बोलते थे दीवान, इसलिए ये याद रखना। कोई आपसे पूछेगा कि मेवाड़ के जो राजा थे उनको किसका दीवान माना जाता था, किसका प्रधानमंत्री माना जाता था, किसके नाम से शासन किया करते थे? तो एकलिंग जी के नाम से शासन किया करते थे। अब सुनो आगे बात। बात यह कि यह केवल मेवाड़ के राजाओं में नहीं था, यह भारत में तमाम जगह परंपरा थी। और अपने यहां पे कोई भी राजा खुद को राजा मानता ही नहीं था, और हमेशा ये कहता था कि मैं भगवान के नाम से शासन कर रहा हूँ। जैसे जयपुर में जो राजा थे उनसे कोई पूछता कि तुम यहाँ के राजा? तो नहीं नहीं मैं राजा नहीं। तो यहाँ के राजा जो है वो तो गोविंद देव जी भगवान, तो तुम कौन हो? तो मैं उनका दीवान। कोई बीकानेर जाता, बीकानेर जाके पूछता है राजाओं से कि तुम यहाँ के राजा हो? अरे अरे क्या बात कर दिया, मैं राजा कैसे हो सकता हूँ? तो राजा कौन है? तो राजा तो यहाँ के लक्ष्मीनाथ जी है। तो तुम कौन हो? तो मैं तो इनका दीवान। तो अपने यहाँ पे राजा हमेशा खुद को भगवान के अंतर्गत काम करने वाला, उनके मातहत काम करने वाला, उनके अंडर काम करने वाला मानते थे, अपने को उनके दीवान कहा करते थे। और दीवान का मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री होता है। अब ये जो बात है इसको बोलते हैं राजत्व का देवीय सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, कि राजा अपने आप को देवीय स्वरूप मानता था, देवता का अंश खुद के अंदर माना करता था। मतलब अपने तो इवन भारत की परंपरा कितनी आगे बढ़ी होगी कि जब मुस्लिम राजा यहां पर आ गए थे और उन्होंने भी खुद को, कि बलबन जब यहां पे राजा बनता है तो वो खुद को कहता है कि मैं भाई ईश्वर की छाया, जब जिल्ले इलाही कहना शुरू कर दिया था अपने आपको। आगे जब हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो अकबर के बारे में अकबर कहता है फर्रईज़दी हूँ, अबुल फजल जब उसके बारे में लिखता है, तो मतलब मुस्लिम राजाओं ने भी कहीं ना कहीं सिद्धांत को अपना लिया था और अपने में देवीय स्वरूप, अपने में जो डिवाइन थ्योरी है उसको मानना शुरू कर दिया था, जो किंगशिप का सिद्धांत है उसको मानना शुरू कर दिया था। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि ये अपने राजत्व का देवीय सिद्धांत होता है, ये डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप होती है, और इसके अंतर्गत जो राजा थे वो खुद को देवताओं का रूप मान लिया करते थे। और ये सही भी है जी। होता क्या है कि पहले कबीले हुआ करते थे, कोई एक कबीला है जिसके अंदर सारे लोग रहते हैं, सब बराबर हैं, और अचानक उनमें से एक शक्ति बटोरता है, शक्ति बटोरता राजा बन जाता है। अब जो राजा बनेगा वो टैक्स लेगा, तो टैक्स लेने की जब बारी आई तो उसने जाके अपने साथी भाई बंधु जो हम तक उसके साथ थे उनको जाके कहा कि तुम टैक्स दो, मैं तुम्हारा राजा हूं।
बराबर वाले को कौन एक्सेप्ट कर ले, अपने से कभी नहीं, अपना कोई अचानक अपना साथी कोई इतना बड़ा बन जाए तो अपने को यूं फील होने लग जाता है कि यार तू इतना बड़ा आदमी थोड़े हो गए, और बराबर वाले उसको मानते नहीं, मानते नहीं, तो टैक्स नहीं दे। तो ये लोगों ने थ्योरी निकाली हुई थी कि जो यूं थोड़ा बड़ा आदमी बनता है वो बाद में अपने साथ वालों को जाकर, जैसे बापा रावल बना होगा तो बापा रावल ने जाकर होगा कि देखो भाई वैसे तो मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, और हुआ क्या कि रात मेरे सपने में भगवान शिव जी आए और भगवान शिव जी ने आकर देख बापा रावल मत हो गया आजकल बूढ़ा यार, पार पड़ती नहीं और पूरा संसार मुझे देखना पड़ता है, ठेठ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाके देखूं, इधर कोई युगांडा रवांडा तवांडा मुझे देखने पड़े, तो कम से कम यार ये मेवाड़ वाला इतना सा पोर्शन तो तू देख ले, तू मेरा भक्त है, यहाँ से तो टैक्स ले लिया कर। मैंने कहा भगवान मैं कौन होता हूँ लेने वाला, तो उन्होंने कहा कि तू तो इन लोगों से जाके टैक्स मांग ले, पर मैंने कहा ये नहीं देंगे तो काफिर मैं अपने आप देख लूँ, तो देख लो भाई लोगों यदि तुम टैक्स दे रहे हो तो ठीक, नहीं दो तो तुम जानो महादेव जी जाने, बाकी मैं तो केवल ये टैक्स महादेव जी की तरफ से मांगने के लिए। जनता थोड़ी बोली हुआ करती थी उस टाइम और जनता ने कह दिया, जब साहब महादेव जी खुद इसके सपने में आ गए, खुद वही कह गए देने के लिए, फिर अपने देने में क्या हर्ज है, और वो लोग टैक्स वगैरह इजिली दे दिया करते थे। और धीरे धीरे थ्योरी बन गई कि राजा को देवी रूप माना जाने लगा ताकि लोगों का उसमें विश्वास जमा रहे, लोगों को लगे कि इसमें कोई संकट आएगा, इसका मतलब राज्य पे संकट आएगा, राज्य पे संकट आएगा तो वो जो देवता है जिसके नाम से शासन करता है वो हमारी रक्षा कर देगा। तो ये बात याद रखना, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ ले, मेंस में भी पूछ ले, प्रीलिम्स के अंदर कोई पूछ ले, सारी बात याद होनी चाहिए कि वो अपने को किसका दीवान मानता था, तो एकलिंग जी का दीवान मानता था, और उसने मंदिर कहां पे बनाया था, आप नागदा का दो, कैलाशपुरी का दो, किसका मंदिर बनाया था, एकलिंग, और थोड़ी सी याद रखना। ये एक संप्रदाय चलता है, अपने आगे संप्रदाय पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे, लकुलिस, लकुलिस संप्रदाय का मंदिर है जो शिव जी के सेक्ट हुए, शिव जी के जो संप्रदाय हुए उनके अंदर कोई एक लकुलिस संप्रदाय हुआ, तो उन लकुलिस संप्रदाय का जो पुजारी था वो हरित ऋषि हुआ करते थे, हरित ऋषि लकुलिस संप्रदाय वाले महादेव जी को मानते थे, क्योंकि बापा रावल उनका शिष्य था, उनका फॉलोवर था, इसलिए बापा रावल ने भी उनका एकलिंग जी का यहाँ पे मंदिर बनवा दिया था, और उसने हरित ऋषि के आशीर्वाद से किसको हरा दिया था, तो मानमौर्य को हरा दिया था, कब हरा दिया था, 734 ईस्वी में, और किस पे कब्जा कर लिया था, चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया। जब हम इसके विजय अभियान के बारे में पढ़ते हैं, विक्ट्री कैंपेन के बारे में पढ़ते हैं, एक विक्ट्री कैंपेन तो ये हुआ अपने आपके अंदर कि उसने यहाँ पे चित्तौड़ पे कब्जा किया था मानमौर्य को, 734 में, और यहाँ पे नागदा उसकी राजधानी, नागदा रखी, राजधानी चेंज नहीं की उसने, राजा नागदाई थी, और नागदा के अंदर ही उसने नागदा के पास में कैलाशपुरी नाम की जगह एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, खुद को एकलिंग जी के नाम से शासन करता था, दीवान मानता था, इसलिए मेवाड़ के तमाम राजा बाद में खुद को एकलिंग जी का दीवान करते। तो और मैं आपको यदि थोड़ा सा और कर बताऊं तो आपने कभी महाराणा प्रताप का बहुत एक फेमस सा गीत अक्सर लोगों के मोबाइल में बसता रहता है, हल्दी घाटी रो समर लड़े वो महाराणा प्रताप कट है, उसके अंदर बागत एक लाइन है, उसके अंदर आएगा कि वो एकलिंग दीवान कट है, मतलब महाराणा प्रताप के लिए भी एकलिंग दीवान शब्द का इस्टेमाल किया गया, एकलिंग दीवान कौन, एकलिंग दीवान राजा, राजा कौन उस टाइम, तो महाराणा प्रताप, तो मेवाड़ के राजाओं को किसका दीवान मानते थे, एकलिंग जी का दीवान मानते। अब चूंकि ये बड़ा राजा बना, बड़ा राजा बना, तो इसने कहा भाई गुहिल के चांदी के सिक्के मिले अपने को, शिलादित्य का अपने को तांबे का सिक्का मिला, इसने कहा चलाए तब तो सोने के चलाए, वरना तो मतलब ही क्या हो, तो सबसे पहले सोने का सिक्का यदि किसी का मिलता है तो अपने को बापा रावल का मिलता है गुहिल वालों, और इसका सोने का सिक्का प्राप्त हुआ, तो हम कहते हैं भाई कॉइनेज सिस्टम जो है सोने के सिक्के यदि सबसे पहले चलाने शुरू किए तो बापा रावल ने चलाने शुरू किए थे, सिक्का मिला है और वो उसकी जब माप देखी गई तो 115 ग्रेन, गेहूं गेहूं के जो दाने आते हैं तो उनके बराबर उनसे नापा जाता था, तो 115 ग्रेन का सोने का सिक्का मिला, तो कोई पूछे कि मेवाड़ में सबसे पहले सोने का सिक्का किसका मिला, तो बापा रावल का, और सोने का सिक्का कितने का है, तो 115 ग्रेन का सोने का सिक्का मिला। तो ये बात भी अपने याद रखने वाली बात है बापा रावल के बारे में। और पढ़ते हैं, देखो जब हम विक्ट्री कैंपेन की बात करते हैं, मैं और बताता हूं आप, बापा रावल 734 हम पढ़ रहे हैं कि 734 में चित्तौड़ का राज्य छीन लेता है, ये वो टाइप है कि 712 ईस्वी में भारत पर मुस्लिमों का पहला सफल आक्रमण हुआ था, हालांकि उधर से अरबों ने अटैक बहुत पहले करने शुरू कर दिए थे, लेकिन यदि मुस्लिम भारत में पहली बार सफल हुए थे तो 712 के अंदर हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब कमांडर होता है और वो अपने सिंध पे कब्जा कर लेता है, तो एक बड़ी सोचने वाली सी बात है, आपको भी ध्यान भी देना कि 712 में मुस्लिमों ने भारत में पहली टेरिटरी पर अपना कब्जा कर लिया था, वो टेरिटरी कौन सी थी, वो टेरिटरी सिंध, सिंध पर कब्जा कर लिया, कब कर लिया, तो 712 में कब्जा कर लिया। पर हमें कोई पूछे तीसरी क्लास में पढ़ते हैं कि मुस्लिमों का भारत पर कब्जा कब हुआ, तब हम कहते हैं कब्जा हुआ उनका 1192 जब तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया, और जीतने के बाद में वो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे छोड़ के गया, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखता है, वो यहाँ पे मुस्लिम शासन शुरू करता है। इसका मतलब पहली जीत है 712, पर दिल्ली को जीतने में 1192 आ गया, 480 साल। तो आपको क्या लगता है कि 712 से लेकर 1192 के बीच में अन्य हमले नहीं हुए थे? हुए थे, हर दिन हमला हुआ है, हर समय हमलों के अंदर रहा होगा राजस्थान, भारत हमलों के अंदर रहा होगा, तो फिर ये बीच के जो 500 साल है इसके अंदर वो हमले रोके किसने? सातवीं क्लास के एनसीईआरटी में बहुत अच्छा चैप्टर है और उसके अंदर ये सेम लाइन लिखी हुई जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार करके भारत में मुस्लिम शासन की नींव रख दी थी, तो मुस्लिमों को अपना शासन पूर्णतः स्थापित करने में 1192 तक का समय लग गया, जब उत्तराखंड के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गोरी यहां पर शासन स्थापित करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से। आखिर बीच के सालों में सफल क्यों नहीं हो पाए, वे कौन लोग थे जो बीच के सालों के अंदर राजस्थान की रक्षा कर रहे थे, भारत की रक्षा कर रहे थे? तो हम वापस देखेंगे कि सिंध से जब वो भारत की तरफ घुसने का प्रयास करेंगे तो उस किताब में बहुत अच्छी सी लाइन है
कि वो राजस्थान पे कब्जा, वो भारत पर कब्जा नहीं कर पाए थे, क्योंकि भारत का वह भूभाग जो अरबों के खिलाफ लड़ा था उसका नाम राजपूताना था, यहाँ के जो लोग थे वो अरबों के खिलाफ लड़े, इसलिए 500 सालों तक उन लोगों को यहाँ पर सफल नहीं होने दिया गया था। हम खूब सारे राजाओं के नाम पढ़ेंगे, हम किसी मिहिर भोज प्रतिहार का नाम पढ़ेंगे, हम किसी पुलकेसिन का नाम पढ़ेंगे, हम किसी नागभट्ट और खुमाण के नाम पढ़ेंगे, हम बाबा रावल के नाम पढ़ेंगे, ये बीच के वो योद्धा है जिन्होंने 500 साल तक दीवार की भांति काम किया था। फाइनली लड़ते 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 कमजोर हो गए थे, उधर वो जो ज्वाला थी वो धधकी रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो लगातार हमले कर रहे थे लोग, और उन हमलों में 1192 के अंदर सफल हो गए, उसके बाद उनका शासन स्थापित हो गया था। तो जब हम कहते हैं कि इन लोगों ने रोके थे, तब कहा जाता है कि बापा रावल के टाइम में अफगानिस्तान में एक जगह पर थी गजनी, और गजनी का कोई राजा था सलीम, गजनी का सलीम नाम का राजा था। सलीम ने अपनी सेना भेजी कि जाओ और भारत को जीत के आओ यहां पर। जब सलीम की सेना यहां पे आई तो बापा रावल ने भाई साहब उनको यहां से वापस मारना शुरू किया, और यहां से इनको भगाते भगाते वापस गजनी तक लेके गया। तो कोई पूछे कि मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक कौन चला गया था, तो बापा रावल ही चला गया। वहां जाके सलीम को हटाता है, खुद के भांजे को वहां का राजा बनाता है। तो याद रखना, देखो अपने राजस्थान का एक राजा थे, अफगानिस्तान तक का एरिया जीत के आ गया था, और अपने जो किंवदंतियां जनश्रुतियां जो फोकलोर है वो तो ये कहती है कि उसने आगे ईरान का इलाका, तुर्कमेनिस्तान का इलाका, खुरासान का इलाका, वो सारे इलाके भी उसने जीत लिए थे, और वहां पर उसने अपने अपने साम्राज्य स्थापित करवाए थे। वो बात होने के ऊपर ये अपने पास हिस्टोरिकल एविडेंस है कि गजनी तक गया था, गजनी के राजा सलीम को हटा देता है और वहां पर अपने भांजे को राजा बना देता है। और बड़ी जोरदार सी बात, अपने कहते हैं कि जब वो जा रहा था तो बीच के अंदर एक जगह पे रुका था, उसकी सेना कुछ दिन तक वहां पे पड़ी रही, कुछ दिन तक कैंप रहा उसकी आर्मी का कैंप रहा, तो बाद में उस कैंप से आगे चला गया। पर अब चूंकि राजा को रावल बोलते थे, जब कैंप वहां पे पड़ा रहा तो अब सेना को कोई खाना पीना भी चाहिए, सेना को और चीजों की भी आवश्यकता होती है, तो आसपास में दुकानें उकानें खुल गई, धीरे धीरे लोग वहां पे बसने लगे, तो गांव बन गया। पंजाबी भाषा में पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ गया तो पाकिस्तान से हो गए, पाकिस्तान में पंजाब वाले इलाके से हो गए। पंजाबी भाषा में गांव को बोलते हैं पिंड। तो किसी ने कहा ये पिंड किसका, तो कहा ये पिंड वो जहां पे रावल रुका था, तो रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते रावल पिंडी हो गया। आज भी पाकिस्तान के अंदर एक शहर है रावल पिंडी, उस रावल पिंडी शहर का नाम अपने बापा रावल के नाम पर। और आपको रावल पिंडी यूं याद नहीं आया तो सोए बख्तर याद, रावलपिंडी एक्सप्रेस ही कहा जाता था। तो अब याद रखना, इस बार सोए बख्तर जब भी दिखे आपको टीवी पे, आप मन के अंदर सोचना इसका जो गांव है उस गांव का नाम अपने पापा रावल के नाम पे पड़ा था, रावल दा पिंडा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, धीरे धीरे रावलपिंडी पड़ गया था। हराते हुए कहां तक चला गया था, गजनी तक चला गया था। अब अपने इतिहासकार, मराठी इतिहासकार अपने सी वी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य नाम करके इतिहासकार हुए, और वो चिंतामणि विनायक वैद्य जो है वो कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि फ्रांस में एक सेनापति हुआ था चार्ल्स मार्टेल, जिस प्रकार फ्रेंच कमांडर चार्ल्स मार्टेल ने यूरोप में सबसे पहले मुस्लिम सेनाओं को हराना शुरू किया था, कि उस समय मुस्लिम आर्मी दोनों तरफ उधर इधर एशिया में भी लगातार बढ़ती जा रही थी, यूरोप में बढ़ती जा रही थी। एक तो समय था पीक था उमैयद खलीफा खिलाफत जब हुआ करते थे, स्पेन तक का इलाका इन लोगों ने जीत लिया था, पर पहली डिफीट यदि किसी ने दी थी इनको तो चार्ल्स मार्टेल ने दी थी। कि जिस प्रकार यूरोप में चार्ल्स मार्टेल ने इनको हराया था, उसी प्रकार भारत में यदि किसी ने हराना शुरू किया तो बप्पा रावल ने हराना शुरू किया। इसलिए बप्पा रावल की तुलना यदि किसी बंदे से की जाती है तो चार्ल्स मार्टेल से की जाती है। ये तुलना कौन करता है, तो सी वी वैद्य नाम करके इतिहासकार है, चिंतामणि विनायक वैद्य नाम करके इतिहासकार है, उन्होंने ऐसी अपनी तुलना की। और वो कहते हैं बप्पा रावल का जो शौर्य था, उसका जो पराक्रम था, उसकी जो वैलर था, उसके आगे जो अरब आक्रमण था, उसका जो जवार भाटा, समुद्र में से जवार भाटा था, पानी को ऊपर नीचे कर देता है, जिस जनजीवन को अपने असामान्य कर दिया था अरबों ने, उसको चूर चूर करने वाला कोई आदमी था, उस जवार भाटे को दबाने वाला कोई बंदा था, तो वो बंदा कौन था, बप्पा रावल। तो इतना बड़ा योद्धा अपने हुआ है, तो अपने याद रखने वाली सी बात है। तो याद, तो दो अभियान एक तरीके से, जब हम विक्ट्री कैंपेन कर रहे हैं तो चित्तौड़ जीतना मान मौर्य को हराकर, और एक आपकी गजनी जीतना सलीम को हटाकर, अपने भांजे को राजा बना के आना, रावलपिंडी का नामकरण करना, और सीवी वैद्य द्वारा उसकी तुलना किसके साथ में, चार्ल्स मार्टेल। चार्ल्स मार्टेल कौन है, एक फ्रेंच कमांडर है जिसने जिस प्रकार बप्पा रावल ने अपने यहां पर हराया था, उसी प्रकार मुस्लिम आर्मी को यूरोप में कोई हराता, तो कौन हराता है, चार्ल्स मार्टेल हराता है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपने आगे अपने जाएं तो फिर लिखा, ये दोनों बातें मैंने बताई दी आपको, मैंने राजधानी की भी बात बता दी और मैंने मुद्रा प्रणाली की भी बात बता दी। मैंने बता दिया राजधानी उसने अपनी नागदाई रखी थी, मुद्रा प्रणाली मैंने बताई दिया जिसने सोने का सिक्का चलाया था, और सोने का सिक्का कितने ग्रेन का था, 115 ग्रेन का सोने का सिक्का था, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये बात कोई बताने वाली है नहीं। नागदाई निर्माण करे मैंने बता दी, फिर आगे आगे बढ़ते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है टाइटल्स, उपाधियां। जब भी कोई बड़ा राजा होगा तो अपने आप में उपाधियां ग्रहण करेगा, तीन उपाधियां मिलती है अपने को बड़ी बड़ी सी। एक उपाधि इसकी मिलती है हिंदू सूर्य, एक उपाधि अपने को इसकी मिलती है राजगुरु, एक उपाधि अपने को इसकी मिलती है चकवे। फिर आया इनका मतलब क्या है, हिंदू सूर्य का राजगुरु का चकवे का मतलब, हिंदू सूर्य तो सामान्य थी कि मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे और यदि वो सफल हो जाते तो तुम्हारे अंधकार ही अंधकार हो जाता, वो तो मैं हूं जिसने हिंदुओं को बचाया है उस अंधकार से बचाया, मैं हिंदुओं का सूरज हूं, जिस प्रकार सूरज अंधकार को समाप्त कर देता है, जैसे मैंने जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उनको समाप्त कर दिया, हिंदुओं की रक्षा की, तो हिंदुओं की रक्षा करने की वजह से उपाधि क्या होगी, हिंदू सूर्य। और आगे आप देखो कि मेवाड़ में जितने राजा हुए उनको हिंदू सूर्य कहा गया, और थोड़ा सा हमने राजस्थान टच देता हुआ अपना शब्द बनाया, हमने कहा हिंदुआ सूरज, तो हिंदुआ सूरज की उपाधि किसकी थी, तो मेवाड़ के राजाओं की थी। मेवाड़ के राजाओं में सबसे पहले किसने धारण की थी, तो बापा रावल। अब उसने जब वो हरा गया तो उसने कहा कि मैं राजगुरु, मैं सब राजाओं का गुरु, किसी कोचिंग चाहिए कैसे हराने, तो मेरे पास आगे कोचिंग कर लेना। चकवे, ये वास्तव में अपने हिंदी का एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है चक्रवर्ती,
चक्रवर्ती का मतलब क्या, चक्रवर्ती का मतलब इसने चारों दिशाएं जीत ली, तो चारों दिशाओं में जाके जीत के आ जाता था उसको अपने बोलते थे चक्रवर्ती। सारी डायमेंशन जो जीत ली अपने आसपास में सबको हरा दिया, उनको चक्रवर्ती कहते, चक्रवर्ती सम्राट है भाई। और चक्रवर्ती सम्राट होते पहले बसों में अध्ययन करवाया करते थे, वो चक्रवर्ती का अपने जब अपना वर्जन बनाया था हमने उसका वर्जन बना दिया अपना चक्र। तो तीन उपाधि याद रख लेना, अब वो चारों तरफ जीत रहा है, चित्तौड़ अपने पास वाला जीत रहा है, ठेठ गजनी तक जाके जीत कर, मैंने कहा कि उदंत तो कहती है कि उसने ईरान इस्पहान और खुरासान तक का इलाका जीत लिया था, इससे बड़ा तो चारों तरफ का क्या जीतेगा। उसकी उपाधि क्या हुई, चक्र उपाधि हो गई थी, राजगुरु हो गई थी, हिंदू सूरी हो गई थी। तो बापा रावल के बारे में